तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम जेट प्लांट की कटिंग कैसे लगाएं, इसी के बारे में बात करेंगे। ये हमारे पास एक जेट प्लांट है और ये हमने बहुत ही छोटे से कटिंग से इसको ग्रो किया है। मुश्किल से इतनी बड़ी कटिंग लेके हमने ग्रो किया है इस पौधे को। और अभी देखिए कितनी खूबसूरत ये पौधा हो गया है और पूरी तरह से फैल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग को हम इस वाले गमले में लगाएंगे। इस गमले में जो हमने मिट्टी लिया है वो 50% मिट्टी है गार्डन सॉइल और 50% रेत है, दोनों को मिला करके। और इसमें लगभग एक मुट्ठी हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है और इसमें भर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग को इसमें लगाएंगे। इसकी कटिंग अगर हम लगाते हैं इसमें और इसकी कटिंग जो होगी तो इस पौधे में नई नई ब्रांचेज आएंगी और पौधा ये और बूसी होगा। तो हम इसकी कटिंग ले लेते हैं। कटिंग तो हम इसकी कितनी भी छोटी लगा सकते हैं, लेकिन हम बड़े ही कटिंग लेंगे क्योंकि हमको इस पौधे को और बूसी बनाना है। इसलिए हम यहाँ से ये देखिए हम इतनी इतनी दूरी से काट लेंगे। और चूंकि ये पौधा बहुत ही अच्छा धूप में चलता है तो धूप में रखने के लिए बहुत शानदार पौधा है। और अभी क्या है कि गर्मियाँ आने ही वाली हैं तो धूप में भी रहेगा तो इस पौधे को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और ये पौधा बहुत अच्छे से चलते रहेगा। तो ये देखिए हम यहाँ से इसकी कटिंग ले लेते हैं इतनी बड़ी बड़ी। तो क्या है, इसमें से नई नई ब्रांचेज भी आएंगी। ये देखिए इस तरह का कोई कटर ले लेंगे और इस कटर से इसको ऐसे काट लीजिए इसको। और इस जेट प्लांट का जो कटिंग है, इस कटिंग से हम नए नए पौधे तो उगा ही सकते हैं, साथ साथ इसकी जो जो ये पौधा है, इस पौधे से हम इसकी प्रूनिंग कर करके और इसको एक अच्छा सा कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए हम ऐसे काट लेते हैं और इसकी हम समय समय भी पिंचिंग भी करते रहें तो भी ये पौधा बहुत अच्छे से रहेगा और बहुत घना हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इतनी सारी कटिंग निकाल ली है। ये देखिए इतनी सारी कटिंग निकाल ली है। अब इसको हम एक एक पौधे को, एक एक कटिंग को एक एक पौधा बना सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल इसी में लगाएंगे इसको। और ये हमारे पास वॉल हैंगिंग बास्केट है, ये देखिए इस तरह का। इसका वीडियो भी हमने कैसे बनाया था, इसका वीडियो भी अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे और फिर इस पौधे में पानी डाल देंगे। तो ये देखिए पहले हम इस पौधे को थोड़ा सा, इसकी मिट्टी को खुरच लेते हैं नीचे से। और इसमें अब हम मिला देंगे वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए किचन वेस्ट से तैयार वर्मी कंपोस्ट है, हम इसको इसमें मिला देते हैं। अब इस पौधे में हम पानी डाल देंगे और ग्रोथ इसकी बहुत ही अच्छी होगी। अब हम इस पौधे को किनारे रख देते हैं और इसमें अब हम इसको लगाएंगे। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसको बस ऐसे ही टिप से ऐसे लगा देना है। इसमें ये ब्रांचेज भी हम चाहे तो इसको तोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं तोड़ूंगा नहीं। देखिए हम किसी पेचकस की भी सहायता से इसमें होल बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से लग जाता है ये कटिंग। इवन इसकी पत्तियां भी कभी कभी गिर जाती हैं तो वो भी लग जाती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको लगा दिया है। अब इस पर आराम आराम से हम पानी डाल देंगे। देखिए हमने पानी इसमें डाल दिया है। दोस्तों इसकी कटिंग को लगाने के लिए या फिर इसके पौधे को भी लगाने के लिए इसकी मिट्टी पूरी तरह से वेल ड्रेन होनी चाहिए ताकि इसमें पानी थोड़ा भी नहीं रुके। हम जैसे डालें वैसे ही जड़ों को मिल जाए और ड्रेनेज होल से तुरंत बाहर हो जाए पानी, तभी ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। नहीं तो ये पौधा ख़राब होने का डर रहता है, इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं अगर हम इसमें पानी ज़्यादा दे दें और पानी इसकी मिट्टी में रुकने लगे तो। ये देखिए हमने जैसे पानी डाला, इसके ड्रेनेज होल से ये बाहर होने लगा तुरंत। तो ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए हमने इसको वाल में सेट कर दिया है।
ये देखिए कितना अच्छा है ये पौधा, धीरे धीरे इसमें पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा और फैल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत दिखेगा ये पौधा। तो ठीक है दोस्तों, जेड की कटिंग कैसे लगाएं यही शेयर करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय।